असलम एवरी वन कैसे आप सब उम्मीद करते हैं आप सब, सब खैरियत से होंगे और आपने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से लिया होगा आज हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर प्राइसिंग का लास्ट लेक्चर में हम प्रोजेक्ट प्लानिंग के बारे में देख चुके हैं और उसकी जितनी भी स्टेजेस हैं हमने उनके बारे में डिस्कस किया तो पहले हम सॉफ्टवेयर प्राइसिंग के बारे में देख लेते हैं सॉफ्टवेयर प्राइसिंग में क्या आता है अब हमने पहले पढ़ा कि हम उसकी वगैरह देखते हैं कोस्ट हमारे पास कौन कौन सी है सॉफ्टवेयर कोस्ट हार्डवेयर कोस्ट स्टाफ कोस्ट डिवेलपमेंट कोस्ट इस तरह की डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं अब ये कौन से फैक्टर पे हम मैयर करते हैं कि कब हमें कॉस्ट ज़्यादा करनी चाहिए कब कम करनी चाहिए क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट भी विन करना होता है तो ये सब चीज़ें जो हैं हम देखेंगे इसके अंदर इस टॉपिक के अंदर हम कवर करेंगे तो हमारे पास एस्टिमेट्स आर मेड टू डिस्कवर द कॉस्ट टू द डिवेलपर ऑफ़ प्रोड्यूसिंग अ सॉफ्टवेयर सिस्टम यू टेक इन अकाउंट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ट्रैवल ट्रेनिंग एंड एफर्ट कॉस्ट ठीक है हम कौन कौन सी कॉस्ट देख रहे हैं इसके अंदर ट्रैवलिंग की भी कॉस्ट आ रही है लाइक like हमें मीटिंग्स करनी पड़ी है हमें सेशंस रखने पड़े हैं तो उसके अंदर भी जो कॉस्ट आएगी वो भी हम एस्टिमेट करेंगे ट्रेनिंग कॉस्ट लाइक like हमें कोई uh, न्यू सॉफ्टवेयर हमने लिया है या हमारी टीम इतनी एक्सपीरियंस नहीं है तो उनको ट्रेन करने की जो कॉस्ट लगेगी वो भी हम महेर करेंगे तो कॉस्ट में हम ईच एंड एवरी देख रहे होंगे कि हमारा uh, कितनी कॉस्ट आ रही है वो सब हम बताएंगे देर इज़ नो अ सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट कॉस्ट एंड द प्राइस चार्ज टू द कस्टमर यानी कि सिंपल यही नहीं है कि डेवलपमेंट कॉस्ट इतनी आई है तो हमने वही बता दी हमें बहुत ज़्यादा फैक्टर्स को देखना पड़ता है इसके अंदर ब्रॉडर ऑर्गेनाइजेशनल इकोनॉमिक पॉलिटिकल बिजनेस कॉन्ट्रेशन ये सब जो है ये प्राइस को इनक्रीज़ करती हैं ये सब प्राइस प्राइस जो है हमारी इन चीज़ों पर डिपेंड करती है ठीक है तो फैक्टर्स देख लेते हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर प्राइसिंग को अफेक्ट करते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स यानी कि कस्टमर में बी विलिंग टू अलाउ दी डेवलपर टू डिटेन द ओनरशिप ऑफ द सोर्स कोड एंड रीयज इट अदर प्रोजेक्ट्स ठीक है Okay, अब क्या है अगर कस्टमर डेवलपर्स को अलाउ करते हैं कि चलो आप मुझे ये प्रोजेक्ट बना दो लेकिन इसका सोर्स कोड आप अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हो नेक्स्ट मॉड्यूल्स में यूज़ कर सकते हो तो तब क्या करेंगे हम प्राइस जो है वो थोड़ी सी कम कर देंगे क्योंकि हमने क्या किया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग वगैरह हमने स्टार्ट कर दी कि हमने ऐसा प्रोजेक्ट बना दिया आ, कस्टमर को भी मिल गया है और हम उसको रीयूज भी कर रहे हैं तो इससे हमारा भी थोड़ा सा बेनिफिट हो रहा है तो हम क्या कहेंगे उसको कहेंगे कि चलो ठीक है प्राइस हम आपको कम अलाउ कर देंगे हम उससे इतनी प्राइस जो है वो डिमांड नहीं करेंगे प्राइस चार्ट मे देन बी लेस इफ़ दी सॉफ्टवेयर कोड इज हैंडेड ओवर टू द कस्टमर ठीक है अगर ऐसा होता कि सोर्स कोड प्रॉपर उसको दे दिया जाता कस्टमर को और हम उसमें मस, कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हम उसको री नहीं कर सकते तो हम प्राइस ज़्यादा डिमांड करेंगे अगर हम, वो हमें अलाउ करते हैं कि हम इसको री कर सकते हैं तो हम प्राइस जो है वो कम अलाउ करेंगे दैन हमारे पास है कॉस्ट एस्टिमेट अनसर्टेनिटी इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अनश्योर ऑफ इट्स कॉस्ट एस्टिमेट यानी कि अभी उसको पता ही नहीं है कि उसकी कितनी कॉस्ट आ सकती है क्यों नहीं पता है क्योंकि हमें क्रिटिकल सिचुएशंस का नहीं पता कि क्या पता कोई रिस्क इस तरह का आ जाए या अगर कोई कुछ रिस्क आ जाता है तो क्या हमें उसमें कितनी कॉस्ट लग सकती है उस रिस्क को सही करने के लिए लाइक like अगर ऐसा हो जाए कि कोई सॉफ्टवेयर या जो हम टूल यूज़ कर रहे थे वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो उसका अल्टरनेटिव ढूंढने में हमें क्या टाइम लगेगा या हमारा कोई स्टाफ मेम्बर छोड़ के चला गया है जो बहुत एक्सपीरियंस था तो उसके अकॉर्डिंग उस लेवल का ढूँढने में हमें कितनी कॉस्ट आएगी वो देखनी पड़ सकती है तो ये सब चीज़ें जो हैं क्या करती हैं कॉस्ट एस्टिमेट अनसर्टेनिटी मतलब कि गैर यकीनी बनाते हैं कि हमें सही से एस्टिमेट नहीं हो रहा होता ठीक है तो इफ़ दिल रिप्रेजेशन इज अन श्योर ऑफ इट्स कॉस्ट एस्टिमेट इट मे इंक्रीज इट्स प्राइस तो उसमें क्या होता है हम अन एस्टिमेट यानी कि एक्स्ट्रा चीज़ें सोचना शुरू कर देते हैं कि अच्छा ये भी हो गया अगर ये हो गया तो कॉस्ट हमारी इस तरह बढ़ती जाती है लाइक like जैसे मैंने अभी बताया कि अगर कोई कंपनी का मेंबर छोड़ के चला गया तब हम क्या करेंगे हमें तब ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ेगी या कोई सॉफ्टवेयर टूल हमने यूज़ किया है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा तब भी हमारी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी ये सब चीज़ें जो हैं वो अनसर्टेनिटी में हैं हो सकता है अप्लाई हों हो सकता है ना अप्लाई हों तो इस वजह से हमारी प्राइस जो है वो, है। है, है, तो वो, है, वो भी इंक्रीज़ हो सकती है उसके बाद हमारे पास है फाइनेंशियल हेल्थ डिवेल्पर्स इन फ़ाइनेंशियल डिफिकल्टी मे लोअर देयर प्राइस टू गेन अ कॉन्ट्रैक्ट अब जहाँ पर कंपनी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जहाँ पर वो अपने बजट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही तो उसका मकसद यही होगा ना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है कॉन्ट्रैक्ट्स वो गेन करें वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करें ताकि वो अपने जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व आउट कर सकें तो उसके लिए क्या होगा वो अपनी प्राइस जो है वो लोअर कर देंगे यानी कि ऐसी कंपनीज क्या करती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट जीतने के लिए प्राइस की जो डिमांड करती हैं वो कम करती हैं ताकि एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए उस पर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो फिर उसके बाद वक्त के साथ साथ थोड़ी सी प्राइस बढ़ाई जा सकती है ठीक है बाद में अगर वो कोई चेंजेस करने का कहता है तो हम कई मल्टीपल फैक्टर्स के ज़रिए से प्राइस इंक्रीज करवा सकते हैं लेकिन द मेन पर्पज़ वॉज़ टू गेन अ कॉन्ट्रैक्ट ठीक है तो तब हम क्या करते हैं प्राइस लोअर करते हैं इसके अंदर कैश फ्लो इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन प्रॉफिट इन डिफ़िकल्ट इकोनॉमिक्स टाइम इसमें क्या होता है जब हम कैश लो करेंगे प्राइस लो करेंगे तो प्रॉफिट कम मिलेगा तो डिफ़िकल्ट टाइम में प्रॉफिट इतना मैटर नहीं करता बस ये होता है कि कुछ ना कुछ कैश होना चाहिए कैश फ्लो इज़ वेरी इम्पोर्टेंट देन हम क्या करते हैं uh, जो फैक्टर नेक्स्ट है वो है मार्केट अपॉर्चुनिटी मार्केट अपॉर्चुनिटी में क्या आता है डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कोटा लो प्राइस पे कोट इट विशेज टू मूव इन टू न्यू सेगमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर मार्केट मार्केट अपॉर्चुनिटी में हम क्या करते हैं प्राइस कम कर देते हैं ताकि एक दफ़ा मार्केट के अंदर आ जाए उस न्यू इरा में एंटर हो सके ताकि अपनी सॉफ्टवेयर या जो अपनी कंपनी है उसको ग्रो कर सकें ठीक है तो तब भी हम uh, जैसे कि न्यू कंपनी जब भी बनती है तो या कोई न्यू रेस्टोरेंट बनता है तो वो स्टार्टिंग में क्या करते हैं वो डिस्काउंट्स देते हैं या प्राइस जो है वो कम करते हैं ताकि मार्केट के अंदर वो एंटर हो सकें उनकी प्रोडक्ट्स सब लोग ट्राई करें अगर स्टार्टिंग में ही प्राइस ज़्यादा होती है तो उसमें हर कोई जो है यानी कि नॉर्मल पर्सन जो है वो जाना पसंद नहीं करता कि इतनी मनी इन्वेस्ट करें एंड देन हमें रिजल्ट में कुछ ना मिले तो इस वजह से जब भी हम न्यू आ, लोकेशन पे जाते हैं ये न्यू मार्केट की तरफ लॉन्च करते हैं तो क्या करते हैं प्राइस नियरली कम रखते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंपटीटर्स रिक्वायरमेंट्स वॉलेटिलिटी इफ़ द रिक्वायरमेंट्स आर लाइकली टू चेंज एंड ऑर्गेनाइजेशन में लोड इट्स प्राइस टू बी न मेन परपज़ क्या है कॉन्ट्रैक्ट को विन करना तो उसमें क्या होता है कि अगर हमें पता है कि रिक्वायरमेंट्स इन फ्यूचर चेंज हो सकती हैं तो क्या करेंगे हम फिलहाल स्टार्टिंग में कह देंगे अच्छा हमारी प्राइस जो है हम इतनी प्राइस आपको अलो करते हैं कि हम इतनी प्राइस में आ, हम आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करके देंगे लेकिन जब जब रिक्वायरमेंट्स आप बताएँगे उसके अकॉर्डिंगली प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज़ अवॉर्डेड हाई प्राइजेज कैन बी चार्ट फॉर चेंजेस टू द रिक्वायरमेंट तो ये एक अच्छा तरीका है दूसरों को बटोरने का यानी कि जब हम एनालिसिस कर लिया ना हमने कि रिक्वायरमेंट्स चेंज हो सकती हैं उसके अंदर तो हम क्या करेंगे स्मार्ट वर्क किया हमने कि आप इतनी प्राइस हमें दे दें हम आपको बना देंगे सॉफ्टवेयर देन आफ्टर जब एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो हमारा ही कस्टमर उसके बाद जब जब वो हमें चेंज करने का कहेगा तो हम क्या करेंगे हम उसको चार्ज करेंगे कि इस चेंज पे हमें इतनी कॉस्ट आएगी अब कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया वो कहीं जा तो सकता नहीं है तो क्या होगा हमें अवार्ड मिलेगा देन है हमारे पास सॉफ्टवेयर प्राइसिंग आई थिंक कंप्लीट हो गया है अच्छा अब प्राइसिंग की कुछ ना कुछ ट्रैटर चीज आती हैं अंडर प्राइजिंग और इंक्रीज प्राइसिंग अंडर प्राइजिंग में क्या है कि हम प्राइस लोअर कब करते हैं अभी हमने जो पीछे टेबल देखा है उसके अंदर हमने मल्टीपल फैक्टर्स देखे थे कि किन किन फैक्टर्स के जरिए से हम आ, अपनी प्राइस थोड़ी हमारी कह रही हूँ सॉफ्टवेयर की जो प्राइस है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है और कब प्राइस ज़्यादा करते हैं कब प्राइस कम करते हैं तो वो चीज़ें जो है यहाँ पर लिखी हुई हैं अंडरप्राइजिंग कब कर रहे थे टू तो गेन अ कॉन्ट्रैक्ट और इसके अलावा टू तो गेन असट टू अ न्यू मार्केट एरिया और प्राइस इंक्रीज़ कब की थी मैन अ बायर विच इज़ अ फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जब ऐसा हो कि प्राइस जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट जिसने जिसके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है या जो बायर है वो ये कहे कि हमारी प्राइस जो है वो फिक्स्ड रहेगी तो तब हम क्या करते हैं हम हाई डिमांड करते हैं सऊदी सैलरी इंक्रीजिंग दी प्राइस टू ऑल ऑफर अनएक्सपेक्टेड रिस्क के जो रिस्क एनालिसिस के अकॉर्डिंग जैसे सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन है ना सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करते हुए टूल्स हमारे आउटडेटेड हो गए उनको अप टू डेट रखने के लिए कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर कॉस्ट रिक्वायर्ड हो सकती है तो तब क्या होता है तब आ, प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाती है तो उसमें हमें मल्टीपल फैक्टर्स को देखना पड़ता है क्योंकि उसने कहा है कि स्टार्टिंग में ही जो आप प्राइस बताओगे मैंने उतनी ही देनी है उसके बाद मैंने चेंज नहीं करनी तो हम स्टार्टिंग में ही फिर इंक्रीज़ डिमांड करते हैं इंक्रीज प्राइस it's about the price of the pricing to win प्राइजिंग टू विन का क्या मतलब है कि हम आ, नेम से ही पता चल रहा है इसका कि हमने एक ऐसी प्राइस ऑफ़र करनी है या हमने प्राइस ऐसी डिमांड करनी है जो कि हमें पता है कि बायर पे कर सकता है मतलब कि उसके अकॉर्डिंग हमें जाहिर सी बात है जब हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह तो करें तो हम थोड़ा सा उसको एनालिसिस कर रहे होते हैं तो वहाँ से हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि ये हमें कितनी प्राइज़ ऑफ़र कर सकता है या ये हमें कितनी प्राइज़ जो है आ, दे सकता है ठीक है तो हम उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा लेंगे और यहाँ पर हमारे प्राइस जो है ये भी हो सकता है कि हम ज्यादा डिमांड कर दें या ये भी हो सकता है हमारे डेवलपमेंट कॉस्ट से वो कम डिमांड हो जाए या हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आ, इतना बेनिफिशियल ना रहे तो हम क्या करेंगे इफ दिस इज लेस देन द डेवलपमेंट कॉस्ट यानी कि जो डेवलपमेंट जो कॉस्ट आनी थी ठीक है उससे हमने कम डिमांड कर लिया तो सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी में बी रिड्यूसड अकॉर्डिंगली विद अ व्यू टू एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी बिंग एंडेड इन अ लेटर रिलीज तो उस केस में हम क्या करेंगे हम अकॉर्डिंगली फंक्शनैलिटी जो उनकी है वो थोड़ी सी कम रखेंगे और फिर हम कहेंगे कि जो न्यू फंक्शनैलिटी है जो एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़ आप अगर ऐड करवाना चाहते हैं तो हम वो लेटर रिलीज में कर देंगे एंड देन फिर हम उसके अकॉर्डिंग उनको प्राइस चार्ज कर देंगे एडिशनल कॉस्ट में बी एडिट एज द रिक्वायरमेंट्स चेंज इसके अलावा कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है कि जो हमारा क्लाइंट है वो हमें कहे कि मेरी रिक्वायरमेंट जो है ना पहले ये थी मैं थोड़ी सी इसमें चेंजिंग करना चाहता हूँ तो तब भी हम उसको कहेंगे कि ठीक है अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो हमें थोड़ी सी कॉस्ट लगेगी क्यों लगेगी क्योंकि देखो अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे देन उसने हमें कहे तो उसके लिए बारह से प्रीवियस फेज़ में जाना पड़ेगा हमें कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी हमें रिसोर्सेज यूटिलाइज करने पड़ेंगे और ये भी हो सकता है कि उसने हमें कुछ ऐसी डिमांड कर दी है चेंज करने की जिसमें हमें एडिशनल रिसोर्स लेने पड़े या थर्ड पार्टीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा है ना थर्ड पार्टी की एप्स यूज़ करनी पड़ी है, तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ कॉस्ट लगेगी तो यहाँ पर हम क्या करेंगे वहाँ पर भी हम प्राइस जो है वो हाई कर देंगे अब यहाँ पर प्राइस हाई करने से क्या होगा जो हमारा शॉर्ट फॉल था औरिजिनल प्राइस में यानी कि हमने औरिजिनल प्राइस हमने कम डिमांड कर दी थी ना तो वहाँ से जब वो रिक्वायरमेंट चेंज करने का गएगा ना तो हम वहाँ पर थोड़ी सी प्राइस हायर डिमांड कर देंगे इससे क्या होगा जो हमारा ओरिजिनल प्राइस में जो गैप आ रहा था और डेवलपमेंट कॉस्ट और जो हमने प्राइस डिमांड की थी उसके दरमियान जो गैप आ रहा था उसको हम ओवरकम कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर ना एक और पॉइंट आता है कि कस्टमर के साथ ट्रांसपेरेंसी शो करनी होती है कि उसको हर चीज़ हमें ना क्लियर आउट बतानी पड़ती है कि इस वजह से हम इतनी कॉस्ट बता रहे हैं क्योंकि ये भी हो सकता है कि वो हमसे एग्री ना करें तो यहाँ पर ना हम उसको कुछ रिकमेंडेशंस ख़ुद भी दे सकते हैं लाइक like अगर उसको नहीं है कि उसने चेंजेस करनी है और हमें पता है कि हमारी डेवलपमेंट कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है और uh, जो हमने डिमांड की है वो कम है तो हम क्या कर सकते हैं हम उसको कह सकते हैं जी आप इसमें ये चेंज हम इसमें ये फ़ीचर ऐड कर सकते हैं हम उसको उसकी तरफ लेके आ सकते हैं कि अगर आप ये फ़ीचर ऐड करेंगे तो आप uh, क्या होगा कि आपका ना सॉफ्टवेयर जो है जो आपकी वेबसाइट है वो ज़्यादा अच्छी नज़र आएगी या यूज़र का एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा होगा उसके साथ तो तब भी जो हमारा वो गैप आ रहा था हम उसको फुलफिल कर सकते हैं तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डोंट फॉरगेट टू तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अल्लाह हाफिज़